माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक वाइप पर एक मज़ेदार है। अगर जैसे कि आपको पता है कि आपके वाइप को अगर लाए हुए ज़्यादा टाइम हो जाता है तो सूख जाते हैं और आपको फेंकने पड़ते हैं, तो आप फेंकिए मत। आपको क्या बनाना है उसका सोपी वाइप। आइए चलिए मैं बताती हूँ सोपी वाइप कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लेंगे वाइप, उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको गीला करेंगे, उसके बाद हम इसको पूरे अच्छी तरह से खोल लेंगे, उसके बाद हमें सोप को गीला करना है और इसमें अच्छी तरह से रखकर पैक करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि अच्छी तरह से, जैसे आप अपने हैंड्स को सोप से रब करते हैं इसी तरह से रब करना है। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये जब पूरी अच्छी तरह से वाइप सोप भी हो जाए उसके बाद हमें इसको खोलना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कितना सोपी वाइप हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से लेकर फोल्ड करना है। उसके बाद हम ये जो नीचे का हमारा पोर्शन बचा हुआ है इसको हम इस तरह से करेंगे और उसके बाद हम इसको रोल करेंगे। उसके बाद ये जो आपके हैंड्स में है फोल्ड किया हुआ टिश्यू उसको हम इस तरह से पैक कर देंगे। उसके बाद हम इसको फूटने के लिए रखेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब हम वेट करेंगे 1 to 1 and 2 hours के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसको वॉश करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको वॉश करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद इसको इस तरह से रब करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा सोप आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, और आप इसको रियूज भी कर सकते हैं। अभी आपने हैंड वॉश कर लिया है, उसके बाद हम इसको पहले की तरह रोल करेंगे, उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये हो गया आपका रियूज। बाय बाय।